कहते हैं। ठीक, मौजजा वो काम है जो इंसानी ताकत से बाहर हो और वो खिलाफ कानूनी कुदरत हो। मौजजा वो काम है जो इंसानी ताकत से बाहर हो और खिलाफ कानूनी कुदरत हो, मतलब जो नेचुरल लॉज है उसके हटकर होता है, इसको मौजजा कहते हैं आम जबान में समझने के लिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ये पहली शख्सियत थे जिनके ताल्लुक से कहा जाता है कि इस लफ्ज को उन्होंने इस्तेमाल किया मौजजा। तो आप कहेंगे फिर इससे पहले मौजजे क्या कहा जाता था? कुरान ने मौजजे को मौजजा कहीं ही नहीं कहा। कुरान ने मौजजों को आयत और बय्यना दो अल्फाज से पुकारा है, आयत निशानी, बय्यना वाज़ह दलील, रोशन दलील, खुली दलील। ठीक है, तो कुरान ने ये अल्फाज इस्तेमाल किया, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने ये लफ्ज फर्स्ट टाइम कॉइन किया, जिसको हम कह सकते पहली बार इस्तेमाल किया मौजजा, के इंसानियत काफिर है तो उस जैसा अमल करने से जो अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी जो है हकानियत को बताने, तस्दीक करने के लिए अल्लाह का सच्चा नबी करते हैं। ठीक है, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ये पहली शख्सियत है जिन्होंने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया। कुरान ने मौजजों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो याद रखिए आयत या जो है बय्यना के हैं। अब कुरान अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दिए सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।